कहते हैं कि इंसान जब मन में कुछ ठान कर अपने लक्ष्य के पीछे भागता है तो उसको सहारा देने वाले मिल ही जाते हैं। उनकी सहायता से वो अपने सपने को आसानी से हासिल कर लेता है। इस बात को साबित किया है पटना की रितु कुमारी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। रितु ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रितु का सपना बचपन से ही दिखने लगा था। रितु का जन्म पटना में ही हुआ था और वह पटना में ही बड़ी हुई। अमेरिका के डल्लास में रह रही बिहार की रितु कुमारी बताती हैं कि मैं एक स्व प्रशिक्षित कलाकार हूं जिसका जन्म और पालन पोषण पटना में हुआ। मैंने बचपन से पेंटिंग शुरू की। रंग पेंसिल और पानी के रंगों के साथ शुरू हुई कला यात्रा अब एक पहचान बन चुकी है। रितु बताती हैं कि शादी के बाद वो अपने पति नीरज कुमार के साथ अमेरिका आई और एक बार फिर से पेंटिंग शुरू की। शुरुआत में अधिकांश पेंटिंग खुद व करीबी दोस्तों के लिए ही की थी। मिली जानकारी के अनुसार उनकी पेंटिंग की कलात्मकता और गुणवत्ता देखकर उनके कुछ मित्रों ने खुद का स्टूडियो बनाने और व्यावसायिक होने का सुझाव दिया। इसके साथ ही रितु की हैंडमेड आर्ट्स का जन्म हुआ और फिर तो उनकी यात्रा शुरू हो गई। आज दुनिया की कई जगहों पर रितु की कला उनकी पहचान बन चुकी है। रितु बताती है कि अपनी कला से अपनी मिट्टी को दुनिया में कई जगहों पर फैलाने का काम करके जो सुकून और संतुष्टि मिलती है वह अनमोल है। रितु बताती है कि इस पूरे काम में उनका जो मूल मंत्र है वह यह है कि आप जिस काम को भी कर रहे हैं उसका पूरा आनंद लें। मार्केटिंग की चुनौतियों को पार करने में अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर ज्यादा ध्यान दें, इससे व्यवसायिक सफलता मिलेगी। रितु संयुक्त परिवार में ही पली बढ़ी हैं। वह कहती हैं कि बचपन में पिता ने ही राह दिखाया और उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई अब तक अनवरत जारी है। रितु को उसके माता पिता का पूरा समर्थन मिला जिसके कारण उसने यह मुकाम हासिल किया है। रितु पर्यावरण विज्ञान में परास्नातक। आपको बता दें कि मौजूदा दिनों में रितु की पेंटिंग कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। विभिन्न शैलियों में उनकी 1000 से अधिक पेंटिंग्स कई घरों, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की दीवारों की शोभा बढ़ा रही है और अब तो उनके पति नीरज भी उनके इस काम में सहयोग करने लगे हैं। रितु बताती हैं कि वह कस्टम पेंटिंग भी करती हैं। उनकी अधिकांश पेंटिंग कस्टम है। इस कार्य के लिए ही स्टूडियो की जरूरत पड़ी। उनकी पसंद और सब्जेक्ट पर काम करना पड़ता है। भारतीय संस्कृति और धर्म अध्यात्म का पेंटिंग पर गहरा प्रभाव है। अनुभव व अवलोकन से पेंटिंग में निखार आता है। तकनीक जैसे इम्पैस्टो, फ्लूइड आर्ट्स, टेक्सचरिंग इत्यादि से उन्होंने कई अलग अलग शैलियों, सार, समकालीन लैंडस्केप और भारतीय जाति और उनकी आधुनिक व्याख्याओं को चित्रित किया है। अपनी पेंटिंग में रितु भगवान बुद्ध के जीवन, भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं को उकेरती हैं। इसके अलावा वह भारतीय संस्कृति और बिहार की कलाओं को भी अपनी कृतियों में भावपूर्ण तरीके से उकेरती हैं। बताते चले कि बिहार के कई लोग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने कारनामों से बिहार का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण है कि लोग बिहार के टैलेंट का लोहा मानते हैं। वहीं रितु ने भी इस कड़ी में एक स्वर्णिम पन्ना जोड़ दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।